Hi student, this is B.S. Rajprateep. Welcome to my YouTube channel. Let's do commerce, student. Apart, I was thinking that how much to write in the notebook. Okay. So this is a God grace that uh, already our book PDF has been issued by APC Publishing. First of all, I like to thanks to APC who have provided us, you know, PDF format. So now there is no uh, need to, you know. Um, uh, have a face to face classes. The thing is, how I am explaining you, you should watch every moment and you should, you know, uh, write down the pinpoints, whatever you want to ask, sir, on this topic, this line, this paragraph. I want to ask, and I can, uh, you know, assure you, I can call you and I can teach you. Okay, so moving ahead uh, to the class 11, we were on the chapter 2nd, uh, already we have done 7 terms, but today I am starting with the fresh, okay. Today I am taking back, and we are starting with the basic accounting terms, chapter second. Okay, so here you can see what the things are uh, in this uh, learning object in this chapter. What you will able to understand first, business transaction and its main feature. Second. Uh, event what do you mean by event uh, and these are terminology accounts capital meaning drawing liability blah 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 these all goes to the 26 point but uh, when we go in the detail it will cover till 37 points okay so first of all i am starting with the basic accounting terms page number 2.2 students and you also have a pdf pdf with you so you can look at your home uh, you can go through it so that it will be more comfortable to you uh, to uh, understand ओके सो नाउ आई एम कमिंग टू दॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन देयर आर सर्टन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब है कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हमारे बिजनेस में रोज हम यूज कर रहे हैं ओके सो बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दीज टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग तो ये जो टर्म्स हम पढ़ने वाले जो हम डेली बिजनेस में यूज कर रहे हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है हमारे बिजनेस रिकॉर्डिंग के अंदर अगर ये टर्म्स हमें क्लियरिफाई नहीं होंगे तो हम अकाउंटिंग का पूरा मतलब नहीं समझ पाएंगे दी बेसिक टर्म्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मोलॉजी और ये जितने भी टर्म्स आएंगे इसी को बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या हम इसको कह सकते हैं अकाउंटिंग टर्मोनोलॉजी सी स्टूडेंट्स नाउ डज यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अराइव्ड बाई सी बी एस ई सिंस टू थाउजेंड नाइनटीन ओके सो मार्च एग्जामिनेशन सो नाओ माई कंसर्न एज इन योर स्कूल सिलेबस यू शुड बी वेरी वेल नोन That in your school exam, home exam for class 11, you will get objective type question, fill in the blanks, match the column. These are a part of your syllabus. So, a question can be asked: what do you mean by accounting terminolo terminology? This is a simple question. If you want to get it tricky, the question can be asked: daily used dash in business. What? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आंसर विल बी ओकेट मूविंगशन पहला टर्म है जिसको हम करेंगे ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस के लेन देन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें प्रॉफिट मोटो होता है और उससे क्या होगा बिजनेस की पैसों की पोजीशन चेंज होगी जैसे आपने एक दस रुपए का बिस्किट खरीदा डेफिनेटली अगर आपने खरीदा दस में है तो आप उसको बारा में बेचेंगे बिकॉज आपको प्रॉफिट कमाएंगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई पहले आपने जो दस रुपए बाजार में खरीद के उसको खरीदा तो आपके यहां से दस रुपए गए थे लेकिन अब आपके पास बारह रुपए आ गए तो पोजीशन चेंज होगी बिजनेस की दो बातें हुई बिस्किट आपके यहां से चला गया एक इसका मतलब गुड्स गया पॉइंट नंबर टू, उसके बदले में आपके पास पैसा आ गया कैश वो है ₹12 और ₹2 आपने जनरेट किया प्रॉफिट राइट स्टूडेंट्स सो आगे चलते हैं व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इट रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एसेट्स तो जो भी बिजनेस में लेनदेन होगा उससे क्या बदलाव आएगा बदलाव आएगा कुछ एसेट्स में चेंजेस होंगे कुछ लाइबिलिटीज में चेंजेस होंगे और कुछ कैपिटल में चेंजेस होंगे अब स्टूडेंट्स बैठा बैठा सोच रहा होगा सर एसेट्स क्या है लाइबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स मैं अब आपको बता दू कुछ फीचर्स कवर कर ले बिजनेस ट्रांजेक्शन की फिर हम एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल पर सबसे पहले चलेंगे राइट मूविंग अहेड चीप फीचर्स क्या है ओके okay. So, पहला बात करते हैं इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच फॉर एग्जाम्पल वेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जब हम गुड्स मतलब सामान अपने बिजनेस में जो भी हम बेचते हैं जूते बेचते हैं कपड़े बेचते हैं जब हम खरीदेंगे और उसको कैश में बेचेंगे या उसको उधार में बेचेंगे तो पैसों का लेन देन होगा जब हम खरीदेंगे तो पैसा जाएगा हम बेचेंगे तो पैसा आएगा वेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयज जब हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे तो पैसा जाएगा जब हम ब्याज इंटरेस्ट पे करेंगे कोई पैसा हमने उधार पे लिया बैंक से तो पैसा जाएगा ये सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजेक्शन सोशल एक्टिविटीज कभी ट्रांजेक्शन के अंदर काउंट नहीं होती जैसे अगर एक्स से आपने कुछ एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर इस फ्रेंड एक्स ने परचेज किया गिफ्ट अपने फ्रेंड के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा यह सोशल एंगेजमेंट है आपने बिजनेस के लिए कुछ नहीं खरीदा फ्रेंड के लिए खरीदा राइट स्टूडेंट पॉइंट नंबर टू ट्रांजेक्शन में हम ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करेंगे फर्स्ट एक्सटर्नल सेकेंड इंटरनल दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं वो जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज दो बिजनेस होंगे उसमें दोनों में लेन होगा जैसे आप अपना गुड्स खरीदते हैं डेफिनेटली आप एक बिजनेस है क्योंकि आप गुड्स खरीद के बेचेंगे तो आप जहां से खरीद रहे हैं वो गुड्स बेच रहा है वो एक बिजनेस एंटिटी है दो एंटिटी में ट्रांजेक्शन होने को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ओके सेम ऐसे खरीदना भी एक दो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन है तो बेचना भी दूसरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है तो परचेज और सेल ऑफ गुड्स एक बिजनेस एंटिटीज के अंदर ट्रांजेक्शन को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आगे बात करते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन दो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस इंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ जो बिजनेस के एक ही एंटिटी के अंदर अपने ही बिजनेस के इर्द गिर्द में घूम के ट्रांजेक्शन होता है वो भी होता है कैसा होता है एग्जाम्पल डेप्रेशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स जब कोई एसेट्स है जो बिजनेस में एसेट्स आपके हैं जैसे मशीन हो गई बिल्डिंग हो गई तो वो उस पर डेप्रेशन लगना मतलब उसकी वैल्यू में कुछ कटौती होना जैसे गाड़ी ले रखी आपने जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गा, गाड़ी डेफिनेटली गाड़ी के अंदर आपका जो है टायर घिसते हैं इंजन कमजोर होता है आप सर्विस कराते हैं तो डिप्रेशन लग जाता है राइट लेटर ऑन डिप्रेशन चैप्टर पूरा हम पढ़ेंगे विस्तार रूप से स्टूडेंट्स घबराएं नहीं बिल्कुल ओके फिक्स एसेट्स क्या है वो भी हम पढ़ेंगे आगे इट रिजल्ट इन इन चेंज चेंज द फाइनेंशियल बिजनेस की में आता है कुछ एसेट्स बढ़ती है कुछ लाइबिलिटी घटती है कुछ कैपिटल में चेंजेस होता है देखेंगे आगे द चेंजेस मस्ट बी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भी चेंजेस होगा वो पैसों में हम देख सकते हो आगे देखते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर और लॉस ऑफ लॉस ड्यू टू कस्टमर इन एबिलिटी टू पे द ट्रांजेक्शन बिकॉज द लॉस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी ओके अगर आपका गुड्स अगर आपका सामान दुकान का आग लग जाती है ओके okay, पहला अगर कोई कस्टमर को आपने उधार में माल बेचा और पैसा ना दे तो दूसरा ऐसी स्थिति में ये लॉस मेजर कर सकते हैं अगर मान लो आपकी दुकान में अगरबत्ती आपने करी शाम को किसी भगवान के किसी कारणवश वो अगरबत्ती नीचे गिर गई आपकी जूतों की दुकान थी मान लो चार जोड़ियां जूते के डब्बे पड़े थे नीचे और उनमें आग लग गई और आपने देख लिया आग बुझा दी तो आपने जब आग बुझाई तब तक चार जूतों की जोड़ियां जल चुकी थी इसको बोलते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर ओके एक लॉस ड्यू टू कस्टमर इन एबिलिटी टू पे इसका मतलब क्या है जब आप कस्टमर को उधार में पे कर आप उधार में सामान देते हैं जैसे मान लो आपने जूते सेल किए बारह सौ कस्टमर ने बोला कि हजार रुपए ले लो भैया दो सौ उधार है आपने कहा ठीक है ओके दो सौ उधार दे देना कुछ दिनों बाद आपने जो फोन किया उसने कहा मेरा पैसे नहीं मैं दे नहीं पाऊंगा पता लगा कुछ दिनों बाद उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई अब वो दो सौ रुपये नहीं दे पाएगा तो वो भी एक लॉस हो गया और उसको आप मेजर कर सकते हैं बिकॉज बारह सौ रुपये कस्टमर से आने थे हज़ार रुपये आए दो सौ नहीं आए तो दो सौ का लॉस है चलते हैं आगे हाउ एवर वैन एन इफिशियंट मैनेजर रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म द लॉस टू द बिजनेस में बी क्वाइट लार्ज जब एक इफ़िशियंट मैनेजर एक अच्छा मैनेजर जो कि बिज़नेस के अंदर बहुत ध्यान रखता है कोई रिसोर्स का वेस्टेज नहीं करता है और लॉस होता है बिजनेस को सुलझाने से लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते पैसों में क्योंकि उससे प्रोडक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सो इट विल नॉट बी ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इसी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा अब बात करते हैं इवेंट क्या है तो स्टूडेंट आज की जो क्लास है उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आई है मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूं बिकॉज हमें रोज हैबिट डालनी पड़ेगी मेरी क्लास अब बड़ी बड़ी क्लासे आएगी आज की क्लास आपको में आपको सिंपल डोज में टेन मिनट की दे रहा हूं 11 मिनट की हो जाएगी लगभग और अगली क्लासों में 15 फिर 20 फिर 25 फाइव फिर थर्टी स्टूडेंट्स अब आपको सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा बिकॉज uh, मेरे पास ऐसा टूल आ चुका है जिससे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ईजिली तो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे थैंक्स फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे बाय बाय कीप वॉचिंग लेट्स डू कॉमर्स प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट थैंक यू कल स्टार्ट करेंगे हम इवेंट बाय बाय